YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, हाउ टू लर्न बेटर एंड फास्टर। चैप्टर है अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर, पार्ट वन। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब किया जा सकता है और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको YouTube की तरफ से ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब कुछ जनरल बातें जान लेते हैं अल्कोहल्स के बारे में। व्हाट आर अल्कोहल्स? तो अल्कोहल्स क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होती है कार्बन एटम के साथ। ठीक है, याद रखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH और CnH2n+2OH। ठीक है, अब हम n इजिकल टू 1 बैठाएंगे किसमें, मान लीजिए इसमें हम n इजिकल टू 1 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, C1 नहीं लिखेंगे 1, H2n+1 दैट इज H3OH, ये हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया अल्काइल अल्कोहल में। तो ये इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब n इजिकल टू 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। इस तरह से हम n को बढ़ाते जाएंगे, ये प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल इस तरह बनता जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है अल्कोहल में, यहां इसका शेप क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है इसका, टेट्राहाइड्रल। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है अल्कोहल के लिए, इसका CO का जो बॉन्ड लेंथ होता है, CO का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कितने का होता है, वो होता है 1.42 एंगस्ट्रम। ठीक है, और अब टाइप्स ऑफ अल्कोहल देखते हैं, इसके टाइप्स डिपेंड करता है OH ग्रुप कितने हैं। यदि एक OH ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहला टाइप हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये कितना, 1OH ग्रुप, इट कंटेन्स 1OH ग्रुप। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, दूसरा है
दूसरा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें क्या है टू ओएच ग्रुप है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरे वाले को ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और तीन से ज़्यादा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एग्जाम्पल ग्लाइकॉल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें तीन से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एग्जाम्पल सॉर्बिटॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, तो पहला है बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से दो प्रॉपर्टी होती है, एक अल्कोहल सेम होमोलोगस सीरीज में अल्कोहल का मॉलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अल्कोहल का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में, क्यों, ड्यू टू सेम मॉलिकुलर वेट वाला हाइड्रोकार्बन ले लीजिए और अल्कोहल लीजिए, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा। तो हमने यहां पे वही सेम चीज लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से विद इन सेम होमोलोगस सीरीज में, सेम होमोलोगस सीरीज के लिए बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट से यदि सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन लिया जाए, तो क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है यदि दोनों का सेम मॉलिक्यूलर वेट हो, तो भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, क्यों, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिससे इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ इन द वाटर वो डिक्रीज होता है, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। तो क्या होता है जब हाई से मॉलिक्यूलर वेट से लोअर मॉलिक्यूलर वेट की ओर जाते हैं अल्कोहल्स के, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, तो अब लिख लेते हैं कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट की ओर जाते हैं तो अल्कोहल की मिसिसिबिलिटी या सॉल्युबिलिटी बढ़ क्यों जाती है, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लोअर अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। अब बोलेगा, क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ कि ब्यूटाइल अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है मिथाइल अल्कोहल से
या इनमें से कौन से ज़्यादा सॉल्यूबल हैं वाटर में, मिथाइल या ब्यूटाइल? तो आंसर क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और इससे वो वाटर के साथ ज़्यादा घुल जाता है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल की एटॉमिक वेट कम है। ऑन द अदर हैंड हम यदि ब्यूटाइल अल्कोहल को देखें तो उनके एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, तो उनके मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई हाइड्रोजन बन कम बनते हैं, कम संभावना होती है हाइड्रोजन बनने की, इसलिए वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, अल्कोहल्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं और स्पेसिफिक स्मेल होती है। ठीक है, कलरलेस और स्पेसिफिक स्मेल होती है इसमें। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ प्रॉपर्टी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, मीन्स मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, मास घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस के। मीन्स यदि एक जिसमें जितना ज्यादा, जिस अल्कोहल में जितना ज्यादा ब्रांचेस होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, उतनी ही कम होगी। ब्रांच बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, ब्रांच घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कॉरस्पॉन्डिंग ईथर से अल्कोहल का बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ईथर के से। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ नॉमनक्लेचर पढ़ लेते हैं जिससे नेमिंग इजी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह के नेमिंग देखेंगे, कॉमन नेमिंग और कॉमन नेम्स और यूपेक नेम्स। ठीक है, फॉर अल्कोहल्स। तो नेमिंग कन्वेंशन के लिए बुक देख रहे हैं। ठीक है, अब ये है नेमिंग कन्वेंशन। तो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप है और OH लगा हुआ है, इसलिए मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। यूपेक नेम क्या हो गया, मिथेनॉल, सफिक्स ऑल आएगा यूपेक नेम में, याद रखिए। और इसमें कॉमन नेम हो गया एन प्रोपाइल अल्कोहल, क्यों, 1, 2, 3, 3 वाले को प्रोपेन कहते हैं तो प्रोपाइल ग्रुप है और OH लग गया प्रोपाइल अल्कोहल। और यूपेक नेम के लिए हम ब्रांच इसका नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, थ्री कार्बन आइटम वाले चेन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। फर्स्ट वाले कार्बन आइटम में ऑल लगा हुआ है, मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए प्रोपेन वन ऑल। यहां पे आइसो ग्रुप लगे हुए हैं, आइसो मीन्स मिथाइल ग्रुप दो लगे हुए हैं यहां पे सी कार्बन आइटम के साथ, तो ये हो गया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम। अब यूपेक नेम में नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, कार्बन आइटम का नंबरिंग करते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो सेकेंड वाले कार्बन आइटम के साथ ऑल लगा हुआ है और ये तीन कार्बन आइटम का ये सीरीज है, तो प्रोपेन हो गया प्रोपेन, और सेकेंड वाले के साथ ऑल लगा हुआ है तो प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अब इसी तरह इसका इसमें चार कार्बन आइटम है,
तो ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ब्यूटेन होता है, चार कार्बन होता है, तो उसका एक हाइड्रोजन कम तो ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसका यूपिक नेम 1, 2, 3, 4, तो वन के साथ ऑल लगा हुआ है तो ब्यूटेन वन ऑल। अच्छा, नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, तो नियरेस्ट, अब इधर से यदि 1, 2 करते हैं तो फारदेस्ट हो जाता है फंक्शनल ग्रुप OH, तो जिधर नियरेस्ट हो उधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं, आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ब्रांचिंग में जो कम हो लॉन्गेस्ट चेन को हम चुनते हैं नंबरिंग के लिए, ये सब है कुछ। ठीक है, अच्छा अब है ये वाला, इसमें क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, तो कॉमन नेम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्यों, चार चार कार्बन आइटम वाले को ब्यूटेन कहते हैं, एक हाइड्रोजन कम है इसलिए ब्यूटाइल ग्रुप और अल्कोहल। ठीक है, और फिर हो गया ब्यूटेन टू ऑल, नंबरिंग कर लीजिए, तो इधर नंबरिंग हम यहां से करेंगे, क्यों, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इधर से यदि हम करेंगे तो थर्ड कार्बन एटम में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि रॉन्ग है, नियरेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ इधर से करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो नियरेस्ट होता है, और ये हो गया टू ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन टू ऑल, सॉरी, और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है आइसो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए इस कार्बन एटम के साथ, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, और इसका नंबरिंग कर लीजिए, किधर से नंबरिंग होगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कार्बन एटम के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, नहीं इसको फिर से बताते हैं, इसको थोड़ा सा, हाँ इसको फिर से समझिए, तो नंबरिंग हमारा होगा 1, 2, 3, तो फर्स्ट वाले के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन एटम के साथ, और ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, तो हम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये नेम गलत दिया हुआ है, क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में, देखिए सेम ही है ना, करेक्ट, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटेन टू ऑल, सेकेंड हाइड्रो सेकेंड कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया हुआ है, या तो इसका फिर ये इमेज चेंज होगा स्ट्रक्चर, या इनका नाम चेंज होगा, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों सेम है। अच्छा नेक्स्ट है ये टर्सरी ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए टर्सरी ग्रुप, तीन सिमिलर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन एटम के साथ, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टोटल चार कार्बन एटम है इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अब इसका नंबरिंग कर लीजिए, तो नंबरिंग कैसे होगा, 1, 2, 3 कर लीजिए, तो टू के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और टू के साथ ऑल लगा हुआ है, तो टू मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, तीन है, तो प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन और टू के साथ ऑल लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर, इसमें इसको इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, इसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, तो देखिए प्रोपेन हो गया, थ्री कार्बन एटम वाले को प्रोपेन कहते हैं, और 1, 2, 3 ट्रायऑल, तीन ऑल लगे हुए हैं। ठीक
ठीक है, किस किस पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट है फ्रॉम एल्किन्स। एल्किन्स के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से पहला पहला तरीका यह है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो उसमें क्या लेंगे, ये है हमारा एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है ये। अब इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ, H2SO4, कॉन्क H2SO4। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, मार्कोफ निकोप्स रिएक्शन एडिशन, मार्कोफ निकोप्स एडिशन, मार को नी कोफ्स एडिशन, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, आर सी एच। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड पे अटैक होती है, और डबल बॉन्ड के अटैक होने के बाद क्या होता है, यहां पे ओ एस ओ थ्री एच ए ग्रुप ऐड हो जाता है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। उसके बाद हमारा क्या बनता है, बॉइलिंग विथ H2O, विथ H2O हमें क्या मिलता है, आर सी एच सी एच थ्री और यहाँ पे ओ एच लग जाता है। तो ये हो गया एल्कोहल। हमें एल्कोहल मिल गया, ठीक है। और एक बाय प्रोडक्ट बनता है, वो H2SO4 बन जाता है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी, ये एक जनरल फॉर्म का रिएक्शन है, इसका कोई भी हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं, प्रोपीन लेके कर सकते हैं, तो प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास प्रोपीन है, CH3, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये CH2 हो गया। इसका यूपिक नेम क्या हो जाएगा, वन वन टू थ्री के साथ है, तो प्रोप वन इन, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट करते हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन के साथ, तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन टू ऑल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, हम लेंगे एक कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हो गया आपका
बट टू इन ब्यूटेन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम के साथ, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एसिडिक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के साथ। तो ये हो जाएगा H2O H प्लस आयन, तो हमारा ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3। डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे और क्या हो जाएगा CH CH3। उसके बाद यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे OH लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया, टू के साथ ऑल लगा हुआ है, ब्यूटेन टू ऑल बन गया। ठीक है, ये क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाय हाई ब्रो हाइड्रो बोरेशन हाइड्रो बो रेशन ऑक्सीडेशन ठीक है, ये नेक्स्ट मेथड हो गया हाइब्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन से हम बना सकते हैं अल्कोहल्स। तो बाय हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे रिएजेंट होता है B2H6 और THF इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका अल्कोहल। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ब्यूटीन लिए हैं कॉमन नेम, और रिएजेंट वो हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए हमने रिएजेंट ले लिया B2H6 और THF इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा H प्लस और OH माइनस आयन, H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और OH माइनस आयन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, ब्यूटेनॉल मिल जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल। इस रिएक्शन को मार्कोव निकोव एडिशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एंटी मार्कोव निकोव, एंटी मार्कोव निकोव्स एंटी मार्कोव निकोव्स एडिशन, इस रिएक्शन को एंटी मार्कोव निकोव एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और पहले वाले को मार्कोव निकोव एडिशन रिएक्शन, इसको मार्कोव निकोव्स एडिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम एल्कोल इससे बना सकते हैं, फ्रॉम कार्बोन ऑयल कंपाउंड से बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोन ऑयल कंपाउंड्स क्या हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एस्टर्स हो गए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेंगे हम बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स
बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब क्या है कि हम कीटोन्स या एल्डिहाइड्स को रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो हमें अल्कोहल, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, ये जनरल इक्वेशन है आर सी एच ओ, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए। ठीक है, आर सी एच ओ, इसका रिडक्शन हो जाएगा पी डी के प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट है, आर सी एच टू ओ एच बन जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद कीटोन्स लेंगे, ये कीटोन्स है आर सी ओ आर डैस, इसको कीटोन्स कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं इसे। इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे हम, एन ए बी एच फोर, तो ये बना देगा हमें आर सी एच आर डैश और एल्कोहल यहां पे ऐड हो जाएगा। ये आर और आर डैश क्या है, अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, यहां पे सोडियम बोरोन हाइड्राइड की जगह पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह पे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड भी ले सकते हैं, एल आई ए एल एच फोर, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड मेथड हो गया, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया बाय रिड्यूसिंग रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। अब सेकेंड मेथड हो गया बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, बाय रिडक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड एंड ईस्टर्स। ठीक है, ये हो गया सेकेंड मेथड, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिंपल है, आर सी ओ ओ एच ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजनेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट गिव्स, ये क्या बनाता है, अल्कोहल बना देता है, प्राइमरी अल्कोहल बना देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएजेंट काफी महंगा है, इसलिए इसको हम नॉर्मल कैटलिस्ट के साथ भी इसको रिएक्ट करा सकते हैं। तो ये क्या देगा, सबसे पहले ये आर ओ आर डैश देगा, फिर एच टू कैटलिस्ट कैटलिस्ट, तो ये देगा आर सी एच टू ओ एच प्लस आर डैश ओ एच। ठीक है, तो ये भी हमें प्राइमरी अल्कोहल दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है गिडनाट रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट होगा, चलिए इनके रिएक्शंस भी देख लेते हैं। पहले ग्रिडनाट रिएजेंट क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं, ग्रिडनाट रिएजेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सबसे पहले ये एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या देता है,
प्राइमरी अल्कोहल देता है, एच सी एच ओ और एच टू ओ। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, एच सी एच ओ फॉर्मेल्डिहाइड है, उसके साथ रिएक्ट करके ये देता है 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा होगा, मान लीजिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये रिएक्ट कर रहा है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये क्या दे देगा, इथाइल अल्कोहल दे देगा। ठीक है, इसका ये एग्जांपल हो गया। अच्छा, दूसरा, ये जब एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एसिटाल्डिहाइड आर सी एच ओ और एच थ्री ओ प्लस के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये देता है आर सी एच आर ओ एच। ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड सी एच थ्री सी एच ओ के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये क्या दे देगा, सी एच थ्री सी एच ओ एच और सी एच थ्री। सो आइसोप्रोपाइल, सो इसका यूपिक नेम क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1, 2, 3 कर लेते हैं, तो प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। और जब ये कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, कौन, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जब कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे कीटोन ले लीजिए, आर सी ओ आर डैश, ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो ये क्या देगा, आर 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 ओ एच, ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लीजिए, तो सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और हम कीटोन के साथ एसीटोन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ईथर के प्रेजेंस में, यहां पे ईथर है,
ईथर प्लस यहाँ क्या है H3O प्लस है, तो यहाँ पे तीन सी एच थ्री ग्रुप लग जाएंगे और ओ एच ग्रुप लगेगा, यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप लग जाएंगे। तो यहाँ से ये जो है ये ऐड हो जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिख लीजिए 1 2 3। तो सेकंड कार्बन एटम, ये तो प्रोपेन हो गया, सेकंड के साथ मिथाइल और अल्कोहल लगा हुआ है, तो प्रोपेन टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो एक बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने जो पढ़ा है, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन एटम का डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, बाय कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के साथ। तो एल्कीन है, कॉन्केस्ट SO4 है और के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बनता है, उसको बॉयल करते हैं H2O के साथ, तो ये हमें अल्कोहल दे देता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को मार्कोवनिकोव्स एडिशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लिया तो प्रोपीन है, प्रोपीन के को बस सेम उसी तरह से ट्रीट करते हैं कॉन्केस्ट SO4 के साथ, तो और वो प्रोपाइल वन प्रोपेनॉल या टू प्रोपेनॉल प्रोपेन टू ऑल दे देता है हमें, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में ब्यूटीन बट टू इन है या टू ब्यूटीन है, तो उसके उसको फिर ट्रीट करते हैं कॉन्केस्ट SO4 के साथ, तो वो हमें क्या देता है बट टू ऑल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है B2H6 और THF के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये हमें अल्कोहल दे देता है। एग्जांपल है ब्यूटीन, उसको सेम रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें ब्यूटेनॉल मिलता है, ठीक है। तो एल्किन से दो दो तरीके से हम अल्कोहल बना सकते हैं, दूसरा है बाय कार्बोक्साइल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, कीटोन्स एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें CO ग्रुप होती है। तो RCHO ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इसको प्लैटिनम के साथ रिडक्शन कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। उसी तरह हम कीटोन्स को RCOR- कीटोन्स हैं, उनको सोडियम ब्रोमीन हाइड्रोजनेट या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें हमें प्राइमरी अल्कोहल यहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इस्टर्स। तो कार्बोक्सिलिक RCOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है, उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन नेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। फिर उसी तरह RCOH को RSOH के प्रेजेंस में हम ट्रीट कराते हैं तो हमें सबसे पहले ईस्टर मिलता है, ईस्टर को फिर कैटलिस्ट के साथ के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का तीन रिएक्शन होता है, फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो
प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, फिर एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो देता है हमें सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स को हम ट्रीट करते हैं तो हमें मिल जाता है टर्सरी थर्ड डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आज इसे यहीं तक रहने देते हैं। आज का लेसन यहीं तक रहने देते हैं, और आज का क्लास समाप्त होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी, जल्दी जल्दी ही हम लोग मिलेंगे काफ़ी सारे केमिस्ट्री के रिएक्शंस और उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।